BJP's Prime Ministerial Candidate Narendra Modi has said Hindu migrants from Bangladesh must be accommodated in India. Addressing a rally in Silchar in Assam on Saturday, Modi said detention camps for Hindu migrants would be removed if his party comes to power. He added, if any Hindu suffers in another country, India is the only place for them to take shelter. He also said people who've infiltrated for political purposes must be pushed back, and great injustice had been done to Assam by not driving out Bangladeshi infiltrators. तो उसके लिए तो एक ही जगह बची है, वो वहीं चला आएगा। हम नहीं चाहते कि जो बांग्लादेश से हिंदुओं को खदेड़ दिया गया है, इनका बोझ अकेला आसाम उठाए, वो तो आसाम के साथ अन्याय होगा। पूरे हिंदुस्तान ने, सभी राज्यों ने, 500 यहां रहे, 1000 उधर रहे, कोई तमिलनाडु जाए, कोई केरल जाए, कोई गुजरात जाए, कोई राजस्थान जाए, उनको रोजी रोटी मिले, रहने के लिए जगह मिल जाए। दिल्ली में सरकार बनते ही यहां के आपके डिटेंशन कैंप मैं खत्म न कर दूं तो मुझे कहना। और जिस प्रकार से वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई असम की सरकार ने डिटेंशन कैंप के नाम पर मानव अधिकारों का हनन किया, अर्जुन जैसे व्यक्तियों को हत्या के लिए लड़ना पड़ा, जीना मुश्किल कर दिया। जो घुसपैठिए हैं भाइयों बहनों, आपके अधिकार को छीन लिया जा रहा है। आसाम का नौजवान बेरोजगार और बाहर से आए हुए लोग रोजी रोटी कमाना शुरू करते हैं। आप मुझे बताइए, आसाम के साथ अन्याय है कि नहीं है? यह अन्याय जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? आपको न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली में सरकार बना दीजिए, न्याय मिलने की शुरुआत हो जाएगी।